200 पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त पर शुएब अख्तर का बयान भी सामने आ गया। शुएब अख्तर का कहना था कि जब आपकी 155 पर सिर्फ दो खिलाड़ी आउट थी तो वहां से आप इजीली 300 रन भी बना सकती थी, मगर एकदम से अगले 40 स्कोर पर आपकी पूरी टीम कैसे गिर गई। दोस्तों, शुएब अख्तर ने इस हार का सारा जिम्मेदार कप्तान बाबर आजम को ठहरा दिया। उनका कहना था कि बाबर ने कंडीशन को सही से रीड नहीं किया, वो गलत शॉट खेलकर आउट हुए जिससे प्रेशर वापस टीम पर आया और हमारी विकेटें गिरती चली गईं। उनका मजीद कहना था कि इस हार से पाकिस्तान टीम काफी बैकफुट पर आ गई है और अब तो मुझे डर है कि हम छोटी टीमों से आने वाले मैचेस भी कहीं हार ना जाएं। दोस्तों, शुएब अख्तर ने इस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम भी भारत को करार दे दिया। वैसे आपके ख्याल में आज पाकिस्तान टीम ने कहां गलती की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।